नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 1 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स में मेन सोर्सेज हम लोग द आसाम ट्रिब्यून और अदर नेशनल डेलीज को तो फोकस करेंगे ही, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशन इन भद्रा एस, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स फॉर एडमिशन एज वेल। एनीवे, सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों, असम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। नाउ ध्यान देकर रखना है आपको दैट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है इन चार डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है। और ये चार डिस्ट्रिक्ट के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एक है कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी, ठीक है। नाउ न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट बोला गया दैट मिलिटेंसी जो है बहुत कम प्रोबेबिलिटी है दैट इस बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में मिलिटेंसी फिर से पनप जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन रीजन्स के मिलिटेंट आउटफिट से जो है ना एक पैक्ट साइन कर लिया था बहुत पहले, उसको सीज फायर पैक्ट कहते हैं, राइट। अब देखो, वैसे तो ये आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा था दैट सीज फायर एक्ट करने के बाद जितने सारे बंदूकें थी, जितने सारे आर्म्स थे इनके पास, वो सारे गवर्नमेंट ने सीज कर लिया था। बट कुछ कुछ ऐसे आर्म्स थे जो कि इन लोगों ने, मिलिटेंट आउटफिट्स ने छुपा दिया था, जिससे फ्यूचर में अगर फिर से इस आंदोलन को फिर से रिवाइव किया जाए तो उस उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट वही चीज़ आर्टिकल में बोला जा रहा था दैट पॉसिबिलिटी जो है फिर से ये मिलिटेंसी रिसरफेस हो जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है जिससे उन मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग या फिर उस रीजन के लोगों को जो है नौकरी देने के काम कर रही है सरकार, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रही है। बाय द वे, अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो बोडोज, याद रखिएगा, दे आर वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी अमंग द नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि आसाम में रहती है। और आसाम का कितना परसेंट पॉपुलेशन कंटेन करती है पता है? 5 से लेकर 6% तक का पॉपुलेशन जो है इस बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कंटेन करता है, राइट। एनीवेज, बोडोज, बेसिकली बोडोज, माफ करना, है ना। नाउ ये तो खैर हम लोगों ने देख ही लिया, कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली ये पूरा रीजन फैला हुआ है, तो ये एक एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गुणोत्सव के बारे में न्यूज़ था दोस्तों। गुणोत्सव देखो, बेसिकली अभी जो है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इस गुणोत्सव प्रोग्राम को कैरी आउट किया जा रहा है पूरा आसाम में। नाउ इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है दैट कुछ कुछ सरकारी ऑफिशियल्स जो सरकारी स्कूल्स हैं ना वहाँ पर जा रही है ना, और देख रहे हैं ये लोग दैट बच्चों की पढ़ाई का आउटकम कैसा निकल रहा है, राइट। मतलब ओवरऑल वहाँ की लर्निंग आउटकम्स को एक्सेस किया जा रहा है बच्चों का रिजल्ट देखकर, है ना। और जब रिजल्ट देखा, से फॉर एग्जांपल देखा गया दैट बच्चों का मैथ्स में कम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ के मैथ्स के टीचर को पूछा जाएगा दैट क्यों मैथ्स में कम नंबर आ रहा है, आप क्यों बच्चों को प्रॉपर नहीं पढ़ा रहे हो, राइट। और उसके बाद वही चीज़ ना, ये सब जो गैप्स वैप्स दिखा जाएगा ना, तो वही सब गैप्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाएगा, है ना। और फाइनली कुछ रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट किए जाएंगे जिससे इम्प्रूवमेंट किया जा सके, समझ रहे हो बात। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ मेगा इवेल्युएशन एक्सरसाइज जो कि अब पूरा थ्रू आउट द आसाम चल रहा है फेज वाइज मैनर में, ठीक है। तो जस्ट देखो, यही बेसिक हमारा मेन एम था दैट हाँ किस कहाँ पर चल रहा है, स्कूल्स को इवेल्युएट किया जा रहा है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाएगा। बट ओवरऑल देखो, अल्टीमेटली क्या वहाँ पे जाएगा, वहाँ का पूछा जाएगा दैट रिजल्ट दिखाइए बच्चों का, रिजल्ट देखकर ही ना देखा जाएगा जी दैट बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या क्या गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही सब का है गुणोत्सव, जस्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड रिजर्व। नाउ रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट, जी हाँ दोस्तों, बिहार में पता चला है दैट बिहार का जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना जिसको हम लोग जमुई डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व मिला है। और ये किन के द्वारा? सर्वे के द्वारा मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कैरी आउट किया था, उसके थ्रू बेसिकली यह पता चला। और इसी से आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया में पूरा गोल्ड रिजर्व कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, बिहार में अभी 44% है, राजस्थान में 25% है, कर्नाटका में 21% है, है ना। KGF याद आ रहा है मूवी, अभी जो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। एनीवेज, वेस्ट बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3% और झारखंड 2%। और ये सारे डेटा जो है वो एक जगह इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि पूरे देश का जियोलॉजिकल मैपिंग करती है
वहाँ पे कहाँ कहाँ मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है वो करती है, और ओवरऑल एक सरकार को डेटा देती है कि हाँ कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं हमारे देश में जो कि पोटेंशियल मिनरल रिच जोन्स हो सकते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल इंडिया के बारे में अगर थोड़ा और भी देखें तो अनडाउटेडली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर अटैच है, जो क्या कंडक्ट करती है जियोलॉजिकल सर्वेस और स्टडीज थ्रू आउट इंडिया, राइट। ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अर्थ साइंस सर्वे एंड रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया में, इंडिया को तो यही ना रिप्रेजेंट करता है दुनिया में। जीएसआई एस्टैब्लिश किया गया था 1851 में ब्रिटिशर्स के समय, और ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन है पूरा दुनिया का। जी हाँ दोस्तों, इट इज प्राइम प्रोवाइडर ऑफ बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी। और ये किसको प्रोवाइड करती है? ऑफकोर्स सरकार को तो प्रोवाइड करती ही है, बट बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है ना, सोचो स्टार्टअप है ना, उन्हें, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है ना दैट वो लोग इतना ज़्यादा सर्वे कैरी आउट करें, ठीक है। तो वो लोग भले ही इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये डेटा जो है अल्टीमेटली सरकार प्रोवाइड करती है, और सरकार को कहाँ से मिलता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है इज रिलेटेड टू द क्रिएशन अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट। माइनिंग अगर इंडिया में बात की जाए तो एक कानून है दोस्तों जिसको कहते हैं माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसको रिसेंटली अमेंड भी किया गया था। बट एनीवेज, आपको जो मेन चीज़ जानना है ना वह यह जानना है दैट मेजर मिनरल्स किसको कहते हैं, माइनरल्स मिनरल्स किसको कहते हैं, क्योंकि इस पे अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 को एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। जैसे देखो मेजर मिनरल्स में एगेट, एस्बेस्टॉस, बैरेट, बॉक्साइट, कैडमियम, कैल्साइट, चाइना क्ले, कोल है ना, कॉपर, लेड, मैगनीज, मीका, निकल, रॉक फॉस्फेट, सोपस्टोन, टंगस्टन है ना, ये सारे जो मिनरल्स देख ले ये सारे आते हैं। वहीं माइनरल मिनरल्स में बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड एंड अदर डिफरेंट मिनरल्स जो है यह आती है, ठीक है। अब देखो वही जो मैंने बोला था ना दैट इसी एक्ट को, दैट इज ये वाला एक्ट को अमेंड किया गया था 2015 में है ना, जिसके अंदर तीन प्रावधान भी इंक्लूड किए गए थे। वो तीन प्रोविजंस क्या क्या थे? पहला प्रोविजंस था मिनरल कंसेशन ग्रांट, दूसरा प्रोविजन था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, और तीसरा बनाया गया था नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ना इनका काम क्या था? मिनरल कंसेशन ग्रांट का जो है इनका काम ही था दैट ऑक्शनिंग के थ्रू जितने सारे आपका जो रिसोर्सेज रिजर्व्स हैं उसको कंपनीज को प्रोवाइड किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये एड्रेस कर रही थी लॉन्ग टाइम ग्रीवांस ऑफ द पीपल जो क्या माइनिंग रिलेटेड था। जैसे सोचो कोई एक रीजन है, वहाँ के लोग भी तो रहते होंगे ना उस रीजन में है ना, अब वहीं पर अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो उस रीजन के लोगों को तो नुकसान होगा ना जी, इन्वायरमेंटली भी नुकसान होगा है ना, सोशली भी नुकसान होगा, सब कुछ तरीके से नुकसान होगा। तो वो लोग जो अब वो लोग अपना ग्रीवांस कहाँ पर रखेंगे? डायरेक्टली मोदी जी को तो नहीं बोलेंगे ना, तो वो लोग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के पास अपने ग्रीवांसेज रखने। वैसे ही नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी बनाया गया है। इस ट्रस्ट का काम ही है इंसेंटिवाइज करना द रीजनल एज वेल एज डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन जो भी किया जा रहा है ना, तो जितने भी सारे गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको फिलअप करना, और साथ ही साथ ऐसे मेजर्स लेना जिससे इल्लीगल जो माइनिंग कैरी आउट की जाती है उस रीजन में उसको चेक किया जा सके। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों 2020 में एक क्वेश्चन आया था, चार ऑप्शंस दे दिए गए थे आपको बताने थे दैट इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। ऑप्शंस थे 1 and 2 only, 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 and 4 only। एंड ट्रस्ट मी गाइज, किसी को भी शायद ये नहीं पता हुआ होगा, राइट। बट अब जैसे बोलते हैं ना दैट शातिर जो रहते हैं वो लोग आंसर को टिक मार ही देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे मारिएगा टिक? देखो अनडाउटेडली अगर मारना होगा तो तुक्का ही काम कर सकता है, एंड देर इज नो अदर ऑप्शन आउट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। एकमात्र तुक्का ही काम करेगा, नहीं ना। अब तुक्का भी लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस गेस, अब इतना क्या कौन याद करेगा भाई इंटेलिजेंट गेस है ना। बट एक मेरे स्टूडेंट था उनसे मैंने पूछा था तो उसने पता है क्या बोला, सर इस टाइप का कभी भी अगर मैं क्वेश्चन आता था ना मैं या तो अगर ऑल ऑफ दीज रहता तो ऑल ऑफ दीज लगा देता मैं, या फिर वैसा ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं है ना वो वाला मैं लगाने की कोशिश करूंगा है ना। और उसने वही लगाया था, उसका वो करेक्ट भी हो गया था। तो देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ इससे दैट ऐसा नहीं है बार बार दैट सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बिल्कुल नहीं आते हैं भाई, किसी को भी नहीं आते हैं है ना। अगर टॉपर को भी अगर मैं बैठा दूँ ना, इनफैक्ट दे कैन नॉट ऑल्सो टिक एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट स्टिल आपको टिक मारना ही पड़ेगा
बट गैस फालतू के गैस मत करो, है ना, ऐसा नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80-90 पूरे 100 आग बंद करके, ना 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 वैसा भी नहीं करो, ठीक है, थोड़ा इंटेलिजेंट गैस लगाने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे जैसे उस बंदे ने जो गैस लगाया था ये तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू ही किया था उन्होंने काइंड ऑफ राइट, बट उन्होंने इंटेलिजेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही न्यू दैट ऑफकोर्स किसी को नहीं पता है ये आंसर, ठीक है, तो हमको तो नहीं पता है ना डिसिलेमाइट है क्या नहीं, काइनाइट है क्या नहीं, क्रोमाइट है क्या नहीं, बेंटोनाइट है क्या नहीं, ठीक है, चलो ठीक है मार के देखो, है ना, तो यू नो एनीवेज कभी कभी लग भी जाता है, ये मैं बार बार अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, है ना, आप सब समय इसको यूज मत कीजिए, हर क्वेश्चन में ये यूज बिल्कुल नहीं होगा राइट, कुछ ही क्वेश्चंस में है जो कि इस टाइप की चीजें यूज हो जाती है। एनीवेज नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड है, 1960 के रिलेटेड, एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था ये, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफकोर्स अनदर राउंड ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन को सेटअप किया था और ऑफकोर्स ये लोग की मीटिंग चल रही थी, ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 राइट, GS2 परस्पेक्टिव से इंडिया नेबरहुड रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ यह है क्या इंडस वाटर ट्रीटी, देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, अब आपको पता है मेन जो है ये रिवर इंडस है, ठीक है, ये इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस का बेसिन कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेन रिवर इंडस तो बह ही रही है बट साथ ही साथ इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी इधर से बह रही है ना, जिसमें कौन कौन सी है, अब देखो यहाँ पे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, है ना, अब देखो इसमें है ना 6 रिवर है मेनली, एक क्या है, एक है इंडस, झेलम, चेनाब और एक है रवि, ब्यास और सतलुज, ठीक है, अब देखो तीन इस ट्रीटी के तहत जिसको ब्रोकर किया गया था बाय वर्ल्ड बैंक, इसके तहत तीन ऐसे रिवर्स है इंडस, झेलम और चेनाब, इसको बोल दिया गया दैट इसका पूरा पानी जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, है ना, मतलब पानी पाकिस्तान के ऊपर इसका अल्टीमेट हक है ना, और बाकी के जो तीन रिवर्स है रवि, ब्यास और सतलुज, इनके ऊपर अल्टीमेट हक आपका जाकर इंडिया का है, ठीक है, ये दो चीज़ बेसिकली देखा गया था, ध्यान दीजिएगा 1960 में ये ब्रोकर किया गया था, है ना, जो क्या तब के इंडिया के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और तब के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जी के द्वारा बेसिकली इसको साइन किया गया था, जिसको फर्दर ब्रोकर किया गया था किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला इसके तहत इंडस लाइक तीन ईस्टर्न रिवर्स, अच्छा हाँ, इसको जो है ना जिस जो इंडिया को मिला है उसको ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, रावी, ब्यास, सतलुज इसमें आता है राइट, और ये इंडस, झेलम, चेनाब जो है ये वेस्टर्न रिवर्स को कहते हैं, ठीक है, और इसे पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया है, ठीक है, अच्छा अब लेकिन एक चीज़ लेकिन इसमें क्लॉज है, वो है राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसके तहत बोला गया है दैट इंडिया जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीन वेस्टर्न रिवर्स है ना, उन तीनों वेस्टर्न रिवर्स में अगर चाहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकती है, बट क्योंकि देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सेटअप करना मतलब क्या, एक डैम सेटअप, डैम बना रहे हो आप, है ना, और उस डैम से जो है इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, मतलब पानी को तो इंपैक्ट नहीं कर रहे हो ना, वही चीज बोला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए, पानी को ज्यादा ये मत पहुंचाइए, एंड इट ऑल्सो गिव्स राइट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को राइट देती है टू रेज कंसर्न ऑन डिजाइन ऑफ इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, मतलब अगर पाकिस्तान चाहे तो रेज कंसर्न कर सकता है, अगर कोई भी इंडिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रही है ना उसका डिजाइन से अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है वो पाकिस्तान का बिल्कुल हक है, ठीक है, बट हाँ पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं बोल सकती दैट नहीं आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के यूज के लिए जो है हम लोग वहां पर डैम्स कंस्ट्रक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है परमानेंट, और इसी के लिए यही सब चीज़ें जो किया जाता है ना, जैसे इसके बारे में अगर दो देशों के बीच में बात चल रही है या फिर इसके बारे में बात अगर चल रही है तो इसके बारे में बात कौन करता है, वो एक कमीशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, ये एक बायलैटरल कमीशन है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है जो क्या इंप्लीमेंट और मैनेज करती है गोल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। नाउ कमीशन जो है ट्रीटी के मुताबिक इट मस्ट मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑल्टरनेटिंगली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक बार इंडिया में एक बार पाकिस्तान में, एक बार इंडिया में पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, समझ लो ये ऑल्टरनेटिवली इनको मीट करना होता है, जिससे बीच बीच में अगर कुछ इश्यूज हो, सोचो पाकिस्तान को इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज है या फिर इंडिया को अगर इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो इंडिया पाकिस्तान के लोगों को बोले, मतलब पाकिस्तान के सरकार के साथ ये बातचीत करेगी, सिमिलरली अगर पाकिस्तान को इश्यू है तो पाकिस्तान इंडिया के साथ ये चीज़ें बातें चीज़ें करेंगी, ठीक है।
फंक्शंस, इस कमीशन का फंक्शन क्या है परमानेंट इंडस कमीशन का? ऑफ कोर्स वही सब चीज़ें लिखा हुआ है, डिस्प्यूट को सॉल्व करना रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग, है ना, टेक्निकल विजिट्स कैरी आउट करना दोनों देश मतलब देशों के बीच में, राइट, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, या फिर स्टडी और रिपोर्ट करना टू द टू गवर्नमेंट्स ऑफ एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ऑफ द रिवर्स, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि फंक्शन कर कमीशन का फंक्शन है। नेक्स्ट ह्यूमन हैबिटेट से रिलेटेड है ये न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। यूएन हैबिटेट हैज आइडेंटिफाइड वेरियस प्रेसिंग इश्यूज पोजिंग चैलेंजेस फॉर अर्बन प्लानर्स इन जयपुर सिटी। नाउ यूएन हैबिटेट ने बोला है दैट देखो भाई जयपुर सिटी जो है, देखो ये वैसे तो जयपुर सिटी के लिए बोला गया है राइट इन पर्टिकुलर, बट आप इन जनरल जो है ना डिफरेंट अदर सिटीज ऑफ इंडिया के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बोला जा रहा है दैट अर्बन प्लानिंग जो हो रही है वो उतना सस्टेनेबल वे में नहीं हो रही है, और इसी के कारण जो वहाँ के लोग हैं ना वो आने वाले समय में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, वहाँ की जो अर्बन ग्रोथ है वो बहुत तगड़े तरीके से चैलेंज फेस कर सकती है। नाउ इस इशू में हाईलाइट क्या किया गया था यूएन हैबिटेट के द्वारा, वो बोल रही थी देखो भाई सिटीज़ तो एक्सपैंड तो रैपिडली कर रही है, बट रैपिडली एक्सपेंशन के साथ क्या होता है ना दैट अर्बन मोबिलिटी भी जो होती है वो भी स्मूथ होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्मूथ नहीं दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक अर्बन मोबिलिटी देख रही है। इनफैक्ट एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ ड्राउट ड्यूरिंग समर एंड ऑल्सो अर्बन फ्लड्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो देखो गाइस, देखो डिफरेंट रिकमेंडेशंस इसमें दी गई है, जैसे यहाँ पे बोला गया दैट क्यों ना अब ग्रीन कवर को इंक्रीज़ कीजिए, ग्रीन कवर इंक्रीज़ होगी तो अर्बन बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, और ये सब अगर होगा तो वहाँ के लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा, है ना। इनफैक्ट वो यहाँ पे आइडिया दिया गया रिगार्डिंग अ कॉम्पैक्ट सिटी विथ रीडेवलपमेंट और रीडेंसिटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज, जो क्या एक प्रॉपर सस्टेनेबल मैनर में और प्लान्ड मैनर में हो सके, राइट। अच्छा सिटी के जो आउटस्कर्ट्स में हो रही है, सोचो ये मेन सिटीज है ना, आप देखो ये अर्बनाइजेशन इतना हो रहा है ना दैट अर्बन स्प्रॉल होता है, दैट इज अर्बन मेन अर्बन रीजन से बाहर में लोग शिफ्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज वाले रीजन्स में, है ना, मतलब ये रूरल रीजन था तो बीच बीच में देखोगे रूरल रीजन के बीच बीच में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, तो उसको हम लोग उस रीजन को पता है क्या कहते हैं जहाँ पर ऐसा हमें इंसिडेंट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हम लोग रूरल अर्बन फ्रिंज, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बोला गया देखो हमें कर्ब करना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑन द सिटी आउटस्कर्ट्स, मतलब मेनली रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में ही बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा रूरल अर्बन फ्रिंज में करने से क्या होता है ना दैट अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता है ना, प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट अलग होता है। जैसे आप अमरावती ले लो, है ना, नया जो कैपिटल बन रहा है आंध्र प्रदेश का वो क्या है अमरावती, अब उस अमरावती को जो बनाया जा रहा है पूरा सिटी को उसको पूरा प्लानिंग के वे में बनाया जा रहा है, तो उसको हम लोग प्लांट सिटी जरूर हम लोग बोल सकते हैं, बट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आप नोएडा में चले जाओ, राइट, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ खेत है, चारों तरफ खेत है, बीच में आपका जाकर बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, वो क्या हुआ अचानक से अगर बीच में एक बिल्डिंग बना दे रहे हो, मतलब प्रॉपर प्लानिंग पास नहीं हुआ है वहाँ पर, वैसे तो अनडाउटेडली वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा पास करवाया जाता है ये नक्शा, बट स्टिल यू नो बहुत हद तक क्या है ना दैट ये अनसस्टेनेबल मैनर में, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी रेज की गई है, राइट। यहाँ पे बोली गई है क्यों ना इको ट्रेल्स की बारे में बात की गई है, इको ट्रेल्स मतलब क्या है, इको ट्रेल्स मतलब बोला जा रहा है नेचुरल ड्रेनेज चैनल, सोचो यहाँ से नदी बह रही है तो क्यों ना नदी के दोनों ओर आप पेड़ पौधे लगा दो, है ना, सोचो रेलवे ट्रैक्स है तो क्यों ना रेलवे के दोनों ओर आप प्लांटेशंस कर लो, राइट, है ना। यही नहीं, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा वाटर टेबल कैसे राइज हो, है ना, आप देखो जैसे गुवाहाटी में ही देख लो, राइट, वाटर टेबल जो है सफिशिएंट है अभी भी, है ना, बट बोला जा रहा है दैट आने वाले समय में वाटर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, राइट। तो क्या हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट गुवाहाटी जैसे शहरों में हमें वाटर का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे में करना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग वाटर को लॉन्गर टर्म में कंजर्व कर सकते हैं। अभी तक गुवाहाटी में ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तो नौबत आई नहीं है, बट हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप बोल सकते हो तो डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, स्पेसिफिकली सेमी एरिड रीजन्स में आप बोल सकते हो, जो क्या आपका जाके ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट ले लो आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये रीजन्स जो है इसमें आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूएन हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो माफ करना, ये है क्या यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम,
ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एज वेल एज सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इस जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में। ये एक आउटकम है ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो कि ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में कैरी आउट किया गया था इन कैनेडा 1976 में। इनफैक्ट कैनेडा के वैंकूवर शहर में किया गया था, ठीक है, ये आयोजित। इट इज़ मैंडेटेड बाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू प्रोमोट सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज। जी हाँ, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल सिटीज़ को सोशली, जिससे इनका काम है प्रोमोट करना, राइट। इनफैक्ट ये एक मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी। अच्छा, ये रिपोर्ट भी करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, केन्या के नैरोबी में, जो क्या एक अफ्रीकन रीजन है। नेक्स्ट, द हिंदू का ये न्यूज़ था दोस्तों रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। नाउ क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि बोला जा रहा था 50% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑफ इंडिया जो है दे हैव नाउ बीन कवर्ड अंडर द जल जीवन मिशन। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2019 को, राइट। जब ये लॉन्च किया गया था, देखो इसका मेन एम था दैट हर घर तक हमें मेंश्योर करना पड़ेगा दैट जल पहुंचा सके, राइट, दैट इज टैप वाटर पहुंचा सके। और जब ये लॉन्च किया गया था ना 2019 को, तब मात्र 17% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को ही एक्सेस होता था ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दैट ड्रिंकिंग वाटर उनका एक्सेस ही नहीं होता था, मैं बोल रहा हूँ दैट सिर्फ 17% को पॉपुलेशन को ही 2019 में एक्सेस था ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप वाटर, ठीक है। नाउ कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर जैसे गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, हरियाणा, यहाँ पर ऑलरेडी 100% हाउस होल्ड्स के पास इस जल जीवन मिशन के थ्रू जो है टैप वाटर ऑलरेडी पहुँच चुका है ना। और ये जो 17% वाला फिगर है ना, ये बढ़कर लेकिन अभी जो हो गया वो 50% हो गया है, ध्यान रखिएगा अभी, है ना। और कुछ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वहाँ पे अभी भी 90% से ज़्यादा कवरेज हो चुका है और ये धीरे धीरे चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली चल रहा है। इनफैक्ट आपका भी, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दैट क्या आपके घर तक टैप वाटर पहुँचा है, एटलीस्ट सरकार ने इंस्टॉल किया है क्या, भले ही अभी पानी पहुँच रहा है क्या नहीं पहुँच रहा है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्या इंस्टॉल किया है ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब पता चल जाएगा दैट आप लोगों में से किन किन के घर में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है या किसी के पास इंस्टॉल्ड नहीं है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो इसका एम ही है दैट सप्लाई करना 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, है ना, और थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ऐसा नहीं सिर्फ टैप कनेक्शन बैठा दिए कुछ काम नहीं कर रहे, नहीं, फंक्शनल होना चाहिए वो। और ये टाइमलाइन जो दिया गया ये 2024 तक दिया गया। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जिसको लॉन्च किया गया था 2019 को, ये तो खैर हम पहले ही बोल दिया, बट फंडिंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है दोस्तों इस स्कीम का। देखो अनडाउटेडली वैसे यूनियन टेरेटरीज जिनके पास लेजिस्लेट जैसे आप अंडमान निकोबार है ना, उसके बाद लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही लेजिस्लेचर है नहीं, तो वहाँ पर सेंट्रल फंडिंग 100% जाती है ना। बट कुछ कुछ ऐसे भी राज्य है ऑफ जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, हिमालयन स्टेट्स, यूटीज विथ लेजिस्लेचर, ठीक है, तो यहाँ पे 90-10 पैटर्न में बेसिकली यह फंडिंग पैटर्न है ना, जिसके थ्रू 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और बाकी डिफरेंट अदर स्टेट्स के लिए इन दोनों के कैटेगरी में छोड़कर 50-50% शेयर। जैसे बिहार की भी अगर बात करें तो 50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार। जैसे केरला 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट, समझ रहे हो बात। चलो अब प्रायोरिटी किन किन रीजन्स को दी जाएगी। देखो ऐसे रीजन्स जहां पर वाटर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वहां पर मेनली प्रायोरिटी दिया जाएगा। वैसे विलेजेस जो कि ड्रॉट प्रोन रीजन है या फिर डेजर्ट एरिया है वहाँ पर, उन रीजन्स को प्रायोरिटाइज करके वहाँ पर टैप वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो विलेजेस आते हैं उनको किया जाएगा, राइट। यही नहीं, इट विल प्रोवाइड फंक्शनल टैप कनेक्शन टू स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, सब रीजन्स में बेसिकली फंक्शनल टैप कनेक्शंस प्रोवाइड की जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की अगर ज़रूरत है वो लाएगी जाएगी, जिससे जो फंक्शनल टैप वाटर भी जो अभी भेजा जाएगा ना, अब टैप वाटर में भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट्स होता है, ठीक है, उस कंटामिनेंट्स को कैसे रिमूव किया जाए, उसके कारण अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना हो तो वो भी सरकार ज़रूर करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन एम इनका यही है दैट जन जीवन मिशन को जो है एक जन आंदोलन बना देना है पानी के रिलेटेड, राइट।
मिशन इंश्योर करता है फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड वाटर कनेक्शन, और बाकी फंक्शंस जो है इसमें वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, चलो ये सब तो नॉर्मल है, सोर्स वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन करना, हाँ, बट ये जो ग्रे वाटर है ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा देना चाहता हूँ, शायद मैंने और भी एक बार आपके साथ ये क्लास में डिस्कस भी किया था। देखो, एक होता है नॉर्मल वाटर, ठीक है, एक होता है ग्रे वाटर और एक होता है ब्लैक वाटर, ठीक है। देखो, ब्लैक वाटर क्या है मैं बता देता हूँ। ब्लैक वाटर जो पॉटी वाला वाटर होता है ना, वो ब्लैक, उसको ब्लैक वाटर कहते हैं, ठीक है। ग्रे वाटर क्या होता है, दैट आप जो जैसे बेसिन का वाटर है, ठीक है, बेसिन में जहाँ हाथ मुँह धोते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो आप कपड़ा वाला पानी जो निकल के जाता है, वो उसको, उस टाइप के वाटर को कहते हैं ग्रे वाटर, है ना। तो इसके तहत ये भी प्रोविजंस है ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट करना, जिससे ग्रे वाटर आपको पिलाया नहीं जाएगा, ना ना ना, उसका ट्रीटमेंट करके अल्टीमेटली उसको यू नो कोई फंक्शनल यूजेजेस में ही लाया जाएगा ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, चीता इंट्रोडक्शन के रिलेटेड ये न्यूज़ था, है ना। वैसे तो ये मैंने पहले भी करवा दिया, बट फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनल ये हो गया दैट बाय एंड ऑफ द ईयर 2022 चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। देखो, ये मध्य प्रदेश, इस रीजन में कूनो नेशनल पार्क है, राइट। और ये कहाँ से लाया जा रहा है, ये अफ्रीका का दो रीजन, दैट इज एक साउथ अफ्रीका और एक नामीबिया, ठीक है, ये नामीबिया, ये साउथ अफ्रीका, इस दोनों रीजन से चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, इंडिया के इस कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। दोस्तों देखो, इसमें रिलेटेड बहुत न्यूज़ थे, इसलिए यू नो पास्ट में भी न्यूज़ थे, तो इसलिए मैं इसको आपको आज आराम से डिस्कस कर देना चाहता हूँ। वैसे देखो, शुगर की अगर बात करें, चीनी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लेकिन इंडिया है ना। बट इंडिया में क्या होता है ना, प्रोड्यूस तो हम लोग करते हैं, बट हमारे लोग ही कंज्यूम भी कर लेते हैं, इसलिए तो इतने लोगों का शुगर होता है है ना। चलो, मजाक साइड में रखो, है ना। बट एनीवेज, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा दैट हाँ, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। बट अगर शुगर एक्सपोर्टर की बात करें तो ब्राज़ील, थाईलैंड इंडिया से पहले आते हैं, है ना। बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, एमिड ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, क्या हो रहा है, और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्या ब्राज़ील क्या कर रहा है ना, शुगर केन जो है ना, उसका शुगर ना मैन्युफैक्चर करके उसका इथेनॉल मैन्युफैक्चर कर दे रहा है, समझ रहे हो बात। क्योंकि इथेनॉल को अल्टीमेटली ब्लेंड करके आप तेल के साथ बेच सकते हो, वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा दाम मिलेगा, कीमत मिलेगा उसको, है ना, जितना चीनी का नहीं मिलेगा, है ना। और वही चीज़ ब्राज़ील कर रहा है, इसीलिए अभी इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में आया था दैट इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हो गई थी। बट साथ ही साथ जैसे ही न्यूज़ मिला था ना, वैसे ही सरकार ने रेगुलेट लगा दिया दैट नहीं, अभी तक जो हम लोगों ने छूट दिया हुआ था शुगर में, दैट शुगर को आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो देश के बाहर, अभी सरकार का परमिशन लेकर ही आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। विदाउट द परमिशन गवर्नमेंट वोंट अलाउ यू टू एक्सपोर्ट शुगर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट शुगर की भी किल्लत हो सकती है। जैसे वीट का दाम ऑल टाइम हाई दुनिया में बढ़ गया है, राइट, वैसे ही शुगर का भी हो सकता है आने वाले समय में। एनीवेज दोस्तों, अब आते हैं कुछ MCQs में। वैसे कल का पहला MCQs डिस्कस करें, आज का बाद में डिस्कस करते हैं। पहला MCQs था PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के रिलेटेड दो स्टेटमेंट थे, जिसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, सी वॉज द करेक्ट आंसर। दूसरे वाले केस में भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे दोस्तों, वही वाला पेंटिंग जो कि मोदी जी ने डिफरेंट क्वाड मेंबर के लीडर्स को प्रेजेंट किया था, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अगेन, दोनों के दोनों सही थे बिल्कुल। नेक्स्ट जो था, इंडिया का पहला बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, तो इसलिए सीक्वेंस जो देख लीजिएगा वो CCB था, जिसमें सब लोगों ने CCB ही सही किया, वेरी गुड, राइट। चलो आज का क्वेश्चन देख लेते। अच्छा सर, वेयर कैन आई गेट केमिस्ट्री ऑप्शनल पेपर, प्लीज़ टेल मी। सैफुद्दीन जी, प्लीज़, व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स, राइट, आवर कस्टमर एग्जीक्यूटिव विल एब्सोल्युटली हेल्प यू अप, राइट, क्योंकि दे आर द वन टू हेल्प यू अप। आपकी कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरीज है ना, तो आप डायरेक्टली इनसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, चलो आज का क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर्स लेकिन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ऑलराइट। चलो सबसे पहला यहाँ पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द परमानेंट इंडस कमीशन इज अ बायलैटरल कमीशन ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस। इट वॉज क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज गोल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। आपको बताना है कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन।
नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, केनिया या फिर फिनलैंड। नीचे कमेंट सेक्शन में अगेन लिखिए, आई विल वेट फॉर दैट। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास रिगार्डिंग द मेंस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन गाइस, वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। For the time constraint, we will discuss it tomorrow. So, bye-bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.